नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अरे तू अभी तक नहीं गया, देख नहीं सकता, मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख सारे लोग आ गए हैं, आप मुझे देख रहे हैं। तू अभी जा, मुझे वीडियो बनाना है। अरे भाई पबजी डाउनलोड कर रहा यार, एक अपडेट आया है, तेरे ही हॉटस्पॉट से डाउनलोड कर रहा हूँ। अरे यार हर दूसरे दिन तेरा अपडेट आ जाता है पबजी का, कितनी बार डाउनलोड अरे बस हो गया करेगा। है, देख 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 बस हो गया है, थोड़ा सा बस नहीं, करने मुझे अभी दे। वीडियो बनाना है, चलो अभी तू जा, ठीक है, चल। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी का ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से ही ऐसे अपना क्लोन एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ और यहाँ पर भी बैठा हूँ, तो आप लोग भी अपना वीडियो ऐसे ही बना सकते हैं। तो आज मैं इसी का ट्यूटोरियल बताऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को जल्द से शुरू करते हैं। और हाँ, तू डाउनलोड कर, आराम से डाउनलोड कर, कोई भी दिक्कत नहीं है, चल। ओके ओके भाई ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा एक कोई भी स्क्रिप्ट है जिसमें दो लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन है, तो दोस्तों पहला जो आदमी है वो यहाँ पर बैठ के पूरा अपनी जो स्क्रिप्ट है वो बोल लेगा। मतलब उसको ऐसे बोलना है कि दूसरा आदमी उसको रिप्लाई दे रहा है, उसको बीच बीच में रुक रुक के बोलना है। इसके बाद जब इसका पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है, तब आप इस चेयर को मूव करके पूरा यहाँ पर ला दीजिए। यहाँ पर जब आपने चेयर को मूव कर दिया, तो सेकंड कैरेक्टर जो है, मतलब आप ही का जो क्लोन है, वो यहाँ पर बैठ के पूरा अपना स्क्रिप्ट बोलेगा। तभी दोस्तों ऐसा लगेगा कि ये इसको रिप्लाई दे रहा है, तो इसका जो भी स्क्रिप्ट है ये यहाँ पर बैठ के बोल देगा। तो ऐसे आपको पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। तो वीडियो शूट करने के टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका वीडियो का जो फ्रेम है वो एक ही जगह पर फिक्स रहे, तभी दोस्तों आपका फ्रेम एकदम परफेक्ट आएगा। वीडियो शूट करने के बाद एडिट करने के लिए सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो प्लस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों 3 रेशियो आप लोग देख सकते हैं। तो पहला जो है 16:9, मैं इस रेशियो को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये एक लैंडस्केप वीडियो है। सो इस 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं एक मीडिया का ऑप्शन है, सो उस मीडिया ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और मीडिया ऑप्शन से दोस्तों आपका जो भी वीडियो है आपने रिकॉर्ड किया है, उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपने जो राइट साइड में वीडियो रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों राइट साइड में एक और ऑप्शन देख सकते हैं, लेयर वाला एक ऑप्शन है। सो उस लेयर ऑप्शन से आपका जो लेफ्ट साइड का वीडियो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैं यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ और मीडिया से मैंने जो लेफ्ट साइड में वीडियो रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब आपका लेयर ऐड हो जाता है, तो उसको फिट टू स्क्रीन करने से पहले आपको ओपासिटी थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि दोस्तों इससे ही आपके पीछे का जो वीडियो है उसके साथ मैच करने में थोड़ा आसानी होगा। सो इस ऑप्शन से आप लोग ओपासिटी को कम कर सकते हैं। सो ओपासिटी को 70% पर रख के मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। सो आपका वीडियो लेयर का जो ओपासिटी है वो यहाँ पर घट गया है। अब दोस्तों इसको फिट टू स्क्रीन करना होगा। इस फिट टू स्क्रीन को बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा, तभी दोस्तों ये बहुत ही परफेक्ट आएगा। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस लेयर को बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिट टू स्क्रीन कर लिया है। अब दोस्तों फिर से इस ओपेसिटी को 100% करना होगा। सो मैं यहाँ पर फिर से ओपेसिटी को 100% कर रहा हूँ। अब जब ओपेसिटी 100% हो जाए, फिर से यस कर दो। वीडियो लेयर को फिट टू स्क्रीन और ओपेसिटी को 100% करने के बाद ही दोस्तों मेन ट्रिक आता है। तो अब इस वीडियो लेयर को क्लिक करके इस सीजर वाले ऑप्शन के ठीक राइट साइड में एक और ऑप्शन देख सकते हो। इस ऑप्शन का नाम है दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन। तो इस स्प्लिट स्क्रीन से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो अब मुझे इस वीडियो लेयर को बीच में से कट करना है। इसके लिए दोस्तों मैं एक ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों इस यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। सो अब देख सकते हैं आपका जो दो वीडियो था वो एक ही साथ मर्ज हो गया है। अब दोस्तों इसको प्ले करके देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से क्लोन वीडियो बन गया है। तो यहाँ पर ही दोस्तों एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। सो इसी तरह से वीडियो शूट करके और एडिट करके आप लॉकडाउन में कोई भी स्क्रिप्ट के साथ अपना क्लोन वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखना हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यही रहा हमारा आईडी, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।